डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। तो आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी मैथ्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कि इनमें से आपके पास कौन कौन से जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है। तो आप देखेंगे फर्स्ट को, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर। तो आपको वेरिएबल की पावर देखना है, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। तो आप देखेंगे पॉलिनोमियल है और आप इसमें देखेंगे कि वेरिएबल क्या है एक्स है, तो ये क्या होगा एक्स वेरिएबल यानी वन वेरिएबल में क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, आपको क्या देख रहा है कि वेरिएबल की पावर वो क्या हो एक होल नंबर हो। तो यहां पर जो वेरिएबल उसकी पावर क्या है आपके पास 2 है, तो ये आपके पास क्या होगा पॉलिनोमियल होगा इन वेरिएबल वाई। नेक्स्ट हमारे पास है 3 टी रेज टू पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे पावर क्या आएगी 1/2 आएगी प्लस टी इंटू रूट 2। तो आपको देखना है कि जो वेरिएबल की पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर हमारे पास जो टी है उसकी पावर क्या है 1 है, यहां पर टी की पावर क्या है 1/2 है। मैंने आपको बताया जो आपके पास वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए आपके पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और 1/2 क्या आपके पास फ्रैक्शन है, आपके पास पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वाई प्लस 2/y, तो आपको करना है क्या वाई प्लस 2 इंटू वाई को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी वाई रेज टू पावर माइनस 1, यहां पर वाई की पावर 1 है यहां पर वाई की पावर क्या है माइनस 1 है। तो आपको क्या करना है कि y की पावर को देखना है, y की पावर क्या नहीं होनी चाहिए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास y की पावर नेगेटिव है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है उसमें x रेज टू पावर 10, y रेज टू पावर 3, t रेज टू पावर 50, यानी जो आपके पास पावर है वो तो क्या है होल नंबर है, तो आपके पास ये पॉलिनोमियल तो होगा बट आपको किसमें देख रहे हैं इन वन वेरिएबल, बट आपके पास यहां पर क्या है वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं बनेगा क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या होंगे 3, 1, 2, 3 एक्स वाई एंड टी। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि आपके पास क्या है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको क्या बताना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनमें क्या करना है आपने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर का। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी आपके पास वेरिएबल है उसके आगे कुछ नहीं है तो आपके पास क्या होगा 1 होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1x2, तो आपको कोएफिशिएंट बताना है x2 का, तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x2। सेकंड में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है -1x2, तो आपको क्या करना है कोएफिशिएंट ऑफ x2 इज -1, क्योंकि इसके साथ जो आपके पास कांस्टेंट होगा वो क्या होगा उसका कोएफिशिएंट होगा। तो यहां पर आपको x2 का कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या होगा π/2 होगा, π/2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x2। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो आपको क्या करना है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x2, तो आपके पास क्या है यहां पर √2x-1, आपके पास क्या है x2 है ही नहीं, तो मींस कहीं ना कहीं आपके पास x2 नहीं है, तो x2 का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि प्लस करेंगे हम 0 × x2, तो 0 × x² क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, और x² का अगर आपने कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या आएगा 0, 0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x². क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35, आपको एक एग्जांपल बताना है कि जो बाइनोमियल बनेगा डिग्री 35 का एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100,
तो मींस आपको एक एक एग्जांपल बताने, एक बाइनोमियल होगा और एक क्या होगा, मोनोमियल होगा। बाइनोमियल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का होगा, और ये क्या होगा, 100 डिग्री का होगा। तो बाइनोमियल के लिए आपके लिए क्या है, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, दो होगी। तो आपके पास क्या होगा, मान लीजिए 40x^35 + 40x, दिस इज ए बाइनोमियल, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म होगी वो कितनी होगी, टू होगी। और सेकंड क्या है, आपको देख रहे हैं कि इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या है, 35। और हाईएस्ट पावर को आप क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको मोनोमियल बताना है ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल के लिए आपको क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, 1 होगी, और वो कैसी होगी, नॉन जीरो टर्म होगी। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, 5x^100, दिस इज ए मोनोमियल। 5x^100 इज ए मोनोमियल, क्योंकि आपके पास जो डिग्री होगी वो क्या है, 100 है, और आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 है। इसके काफी एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, x^100 काफी एग्जाम्पल मीन्स इसमें नंबर ऑफ जो टर्म है वो 1 होनी चाहिए, और सेकंड क्या है आपके पास, पावर वो जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, कि आपके पास जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है, आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उनकी डिग्री आपने फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपके पास जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी वो क्या होगी, आपकी डिग्री होगी। तो आपको देखना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल, इसमें आपको वेरिएबल की पावर हाईएस्ट देखनी है। तो आपके पास वेरिएबल एक्स होगा, और वेरिएबल की जो पावर है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहां पर 3। तो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम कि आपके पास जो वेरिएबल है वो वाई है, क्योंकि 4 इज द कांस्टेंट। तो आपको देख रहे वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, आपके पास डिग्री होगी, और हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी। तो आपके पास यहां पर डिग्री क्या होगी, 2। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है, और 1 वेरिएबल है, तो यहां पर डिग्री क्या होगी, 1। और ये आपके पास कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0। क्योंकि आपके पास यहां पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल लगाएंगे तो वेरिएबल की पावर क्या होगी, आपकी 0 होगी। और x रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या, 3 × 1 = 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कैसा भी आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, आपके पास जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो गया, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम उसको कहेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, यानी आपके पास पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री 1 होगी। यानी डिग्री अगर 1 होगी तो आप कहेंगे लीनियर, और अगर डिग्री 2 होगी तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 होगी तो आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको देखना है कि यहां पर डिग्री क्या है, 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपके पास यहां पर डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 3। तो 3 डिग्री होगी तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है आपके पास पॉलिनोमियल की, 2। तो आपके पास ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहां पर आपके पास वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, और वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी तो आप क्या कहेंगे, डिग्री अगर 1 होगी तो आप क्या कहेंगे, लीनियर। तो ये क्या होगा आपके पास, लीनियर। यहां पर भी 1 है तो ये भी क्या होगा, लीनियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर स्क्वायर, मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। अगर 2 डिग्री है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। यहां पर आपके पास डिग्री क्या है, 3 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक।